खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो इस वक्त मोदी वर्सेस ममता की जो स्थिति है उसमें तल्खी बढ़ती जा रही है। बंगाल की लड़ाई अब बदले पर उतर आई है। देखिए ममता बनर्जी की पीएम मोदी को अब ये नई धमकी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब प्रधानमंत्री मोदी को बदले की धमकी दी है। चुनाव में केंद्रीय बलों के इस्तेमाल से नाराज ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में इंच इंच का बदला लेंगी। बंगाल में अपना गढ़ बचाने में जुटी ममता बनर्जी इससे पहले पीएम मोदी को थप्पड़ मारने की बात भी कह चुकी हैं। अभी 19 मई को आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। नेताओं की बेचैनी कैसी बढ़ती जा रही है ये उनके बयानों से पता चलता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेता ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी दौर पर है, लेकिन विवादित बयानबाजी चरम पर है। ताजा विवादित बयान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का। कर्नाटक के कलबुर्गी में खड़गे ने पीएम मोदी के कांग्रेस के 40 सीट पर सिमट जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कांग्रेस के 40 सीट बरलंत बंद मोदी विजय चौक दिल्ली हाकोतना। वहीं कभी समाजवादी पार्टी में रहे नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव और सिद्धू को लेकर बोल बिगाड़ लिए। ये नरेश अग्रवाल हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी में हैं। लेकिन इनके बयान पहले भी विवादित होते थे और अब भी वैसे ही होते हैं। वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी। इसके अलावा उन्होंने सिद्धू को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। अखिलेश तो औरंगजेब बनकर समाजवादी पार्टी को कब्जा किया है। अखिलेश कभी जमीन पे लड़ाई नहीं लड़े हैं। उन्हें तो जो कुछ मिला बाप की कमाई मिली है, तो अपना जिस कमाई नहीं होती उसको जरूर जनता उत्तर देती। वो कौन से, वो अंग्रेज के औलाद है नवजोत सिद्धू? हम लोग काले के औलाद है तो नवजोत सिद्धू अपने आप क्या अंग्रेज के औलाद है, बता दे इतना। नरेश अग्रवाल ने संसद के अंदर भगवानों को लेकर एक आपत्तिजनक शायरी पढ़ी थी, जिसके बाद भी उनकी भाषा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। और अब देखिए सोनभद्र में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कुछ ऐसा बोल गए जो अब चर्चा में छाया हुआ है। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन का ये बैनर सोनभद्र के महागठबंधन की रैली में लगाया गया। रैली में अखिलेश यादव के साथ साथ आरएलडी नेता और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन मंच पर बोलते बोलते जयंत सीमा लांघ गए और कह दिया कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो नौकरी और छोकरी दोनों नहीं मिलेगी। शादी करनी है ये इन लोगों को बनाओगे तो ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी। भैया सोनभद्र इलाका रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के तहत आता है, यहाँ पर 19 मई को वोटिंग है। 2014 में बीजेपी ने सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार ये सीट बीजेपी ने अपना दल को दी है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर सिद्धू को क्या अपने ही कार्यकर्ताओं का प्यार सुहाता नहीं, ये खबर तो कुछ ऐसा ही कह रही है और इससे संबंधित वीडियो भी वायरल है। विवादों के गुरु नवजोत सिंह सिद्धू फिर सुर्खियों में हैं। इस बार शेर और शायरी के लिए नहीं बल्कि अपने गुस्से के लिए। मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद टिपाड़िया के लिए रोड शो के दौरान सिद्धू बेकाबू हो गए और अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया।
देखिए कैसे ये कार्यकर्ता सिद्धू को माला पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तभी सिद्धू इसे चाटा जड़कर धकेल देते हैं। अपने ही कार्यकर्ता के साथ सिद्धू के इस सौतेले व्यवहार की सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद कांग्रेस बचाव में आ गई है। उन्होंने कोई चाटा नहीं मारा किसी को, ये बात जरूर है कि वो जो हार डालने जो चढ़े थे वो उन्होंने उनकी जो पगड़ी है उस वो गिर गई और उस हार में उलझ गई और वो तो भी नहीं मान रहे थे, हिचातानी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको दूर करा। राजस्थान के एक अलवर में एक लड़की के साथ हैवानों ने जो दरिंदगी की थी उस पर राजनीति अब अपने चरम पर है। चुनावी मौसम में अलवर दलित लड़की के गैंगरेप पर राजनीति तेज हो गई है। यूपी के कुशीनगर में पीएम मोदी ने अलवर के मुद्दे पर मायावती से राजस्थान की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की। क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? अगर आप बेटियों की रक्षा के प्रति इतनी ही ईमानदार है तो आज ही इसी मिनट राजस्थान सरकार में से बसपा का समर्थन वापस ले लीजिए। अलवर में गैंगरेप की घटना 26 अप्रैल को हुई लेकिन एफआईआर 30 अप्रैल को दर्ज की गई। केस में 7 दिन बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार को बीएसपी के 6 विधायकों का समर्थन है। चलिए आगे बढ़े। मोदी की हर चुनावी रैली में राष्ट्रवाद का जिक्र होता है, आप जानते हैं। इंदौर और कुशीनगर की रैली में भी मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी कल इंदौर में थे और जनसभा में एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वालों पर भी तंज कसा। आज प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी कतार लगी हुई है, कौन है जो आतंकवाद से लड़ सकता है। इससे पहले उन्होंने यूपी के कुशीनगर की रैली में भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि हर रोज 2-3 आतंकी साफ हो रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ लोगों को परेशानी है कि बीच चुनाव में आतंकी क्यों मारे जा रहे हैं। अब कुछ लोगों की ये परेशानी है कि आज जब मतदान चल रहा है तब मोदी ने आतंकवादियों को क्यों मारा। वो बम बंदूक लेके सामने खड़ा है, क्या वहां मेरा जवान इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेने जाए क्या कि मैं इसको गोली मारूं कि ना मारूं? वोटिंग का ऐसा कोई भी चरण नहीं रहा जब पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें ना आई। अब देखिए छठे चरण में भी ऐसा ही देखने को मिला है। मतदान में पश्चिम बंगाल में खूब बवाल हुआ है। ये है पश्चिम बंगाल के बांकुरा की तस्वीरें, जहां पोलिंग बूथ के बाहर आप भगदड़ देख पा रहे होंगे। बांकुरा सीट पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प की ये तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल के घाटल में बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष हिंसा का शिकार हुई। टीएमसी समर्थकों ने भारती घोष की कार पर पथराव किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायर तक करना पड़ा। तो मिदनापुर में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, जहां बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। कार्यकर्ताओं की पहचान रंजीत मैती और अनंत गुजैत के तौर पर हुई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के बलरामपुर में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में छठे चरण में 80% वोटिंग हुई है, वो देश में नंबर 1 पर रहा। लेकिन चुनाव के हर चरण में हिंसा की घटनाओं ने पश्चिम बंगाल पर दाग जरूर लगाए हैं। तो वहीं यूपी के भदोही में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि विधायक दीनानाथ भास्कर ने पोलिंग बूथ पर तैनात अधिकारियों से मारपीट की और घायल कर दिया। भास्कर का कहना था कि पोलिंग अधिकारी महिलाओं के वोट बीएसपी को पड़वा रहा था। तो छठे चरण की 59 सीटों पर कुल 63% मतदान हुआ। देखिए ये मैप हमने तैयार किया देश भर का, ताकि आपको हम तफसील से समझा सके कि किस इलाके में कितना मतदान हुआ। देखिए यूपी में 54% मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश में। हर राज्य का हाल आपको हम बता रहे हैं, छठे चरण का ये हाल है। इसके बाद हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में करीब 68% मतदान हुआ है। आगे बढ़ते एक और मैप में, एक और इलाका आपको दिखाते हैं, बिहार का। देखिए बिहार में भी ठीक ठाक मतदान हो गया। बिहार की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में 80%। देखिए हिंसा सबसे ज्यादा यही होती है
है, सबसे ज्यादा वोटिंग भी यही होती है। इसके अलावा दिल्ली में 60% 2014 से 5 से 6% कम, झारखंड में 64% मतदान हुआ है। तो देखिए भारत के इस पूरे नक्शे से हमने आपके सामने पूरी तस्वीर रख दी कल की। जी और अब आपको आज की बड़ी खबर बता दें साध्वी, प्रज्ञा ने भोपाल में जब मतदान हुआ और उसमें जब दिग्विजय सिंह ने वोट नहीं डाला तो उस पर किस तरीके से निशाना साधा, ये भी आपको दिखा देते हैं। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का धर्मयुद्ध ईवीएम में कैद हो गया है, 23 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच साध्वी को एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर हमला बोलने का मौका मिल गया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कल वोट नहीं डाला, जिसे लेकर साध्वी ने कहा कि ऐसे लोगों की उम्मीदवारी बर्खास्त कर देनी चाहिए। प्रत्याशी है और अगर उसने अपना मत नहीं दिया तो मैं आग्रह करूंगी कोर्ट से, आग्रह करूंगी चुनाव आयोग से कि इनका जो चुनाव हुआ इसका बर्खास्त कर दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। हालांकि वोट न देने पर दिग्विजय ने दुख जताया। मैंने प्रयास भी किया कि मेरा वोट यहाँ ट्रांसफर हो जाए, वो नहीं हो पाया। ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद मैं भोपाल में अपना वोट रजिस्टर कराऊंगा। कल 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें भोपाल के साथ साथ राजगढ़ की भी सीट थी। राजगढ़ में ही दिग्विजय सिंह को वोट डालना था, लेकिन भोपाल में व्यस्त होने के चलते वो राजगढ़ नहीं गए। चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े विवाद भी काफी छाए रहे। वोटिंग के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा एक ट्वीट को लेकर घिर गए हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर कल छठे चरण में मतदान हुआ, तमाम वीवीआईपी वोट देने पहुंचे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी पत्नी प्रियंका के साथ लोधी स्टेट में वोट किया। लेकिन वोटिंग के बाद मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्होंने सेल्फी के साथ जो ट्वीट किया उसमें उनसे चूक हो गई। उन्होंने भारत की जगह दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे का झंडा शेयर कर दिया, जिसके बाद वो ट्विटर पर ट्रोल होने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर गलती मानी और फेसबुक पर लिखा, हिंदुस्तान मेरे दिल में रहता है और मैं अपने देश के तिरंगे को सलाम करता हूँ। मेरी पोस्ट में झंडे का उपयोग करना अपमान नहीं था। मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि ये गलती से पोस्ट किया गया था, लेकिन आपने मेरी गलती को गलत तरीके से लेने का फैसला किया, जब इस तरह के मुद्दों को पहले ही चर्चा का विषय बनाया गया है। ये मुझे दुखी करता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। तो रॉबर्ट वाड्रा से ऐसे हो गई गलती से मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में रवि किशन को विरोधी बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनका भी गोरखपुर से पुराना नाता है। भगवा कुर्ता पहनकर गांव की माटी चूमते ये हैं भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन। बीजेपी ने गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया है, तो बड़े दिनों बाद रवि किशन गोरखपुर में ही चिल्लू पार के मामखोर गांव पहुंचे, जहां इनके पूर्वज रहा करते थे। दरअसल इसकी जरूरत इस वजह से पड़ी, जो विरोधी दल है ना, सब पागल बौरा के बाल नोच रहा है, वो लोग बोल रहा है कि हम बाहरी हैं। रवि किशन आखिरी बार इस गांव कब पहुंचे थे ये कई लोगों को याद भी नहीं होगा, लेकिन जब रवि किशन गांव पहुंचे तो लोगों के साथ गांव घूमे, सेल्फी खिंचवाई, बैठक भी की और बैठक के बाद मामखोर जिंदाबाद के नारे लगवाए। रवि किशन मामखोर में माता के मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना कर जीत की मन्नत मांगी। बात प्रियंका गांधी की, प्रियंका गांधी भले ही सियासत में प्यार की बात करती हो, लेकिन उनकी पार्टी की ही एक महिला नेता ने उन पर कुछ और आरोप लगा दिए। मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आज से हम इसकी प्राथमिक सदस्यता अपने पद से त्याग करते हैं। जिस पूर्वांचल में प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंध लगाने में जुटी थी, ये इस्तीफा उन्हीं प्रियंका गांधी के खिलाफ है। ये गंभीर आरोप कांग्रेस की भदोही जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने लगाए हैं। नीलम के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और बुरा बर्ताव किया, जिसके बाद उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमने कल प्रियंका गांधी जी से मीटिंग में आई तो हमने उनको बताने की कोशिश की कि हमारी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ही गिर चुका है, आप हम लोग की मदद करें, हम लोग की कुछ बात सुनें कि कुछ सुधार आ जाए स्थिति में। लेकिन वो उल्टे वो नाराज हो गई, बिगड़ गई और उन्होंने वो बहुत सारी ऐसी बातें कही अपमानजनक, जो कि किसी भी
राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को बोलने के लिए, और एक महिला के साथ एक महिला का यह दुर्व्यवहार ये कतई शोभा नहीं देता। यूपी में प्रियंका के खिलाफ कार्यकर्ताओं की बगावत के बाद बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिल गया है। जो प्यार की बात करती है कांग्रेस, वो कितना खोखला है। प्यार की बात करना और गाली की भाषा का प्रयोग करना, यही कांग्रेस की असलियत है। और अब आज की बड़ी रैलियों पर नजर डालते हैं। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले कौन सा दिग्गज कहां पर आज चुनावी प्रचार कर रहा है आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रतलाम में हैं, मध्य प्रदेश में उनकी एक रैली रखी गई है, उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के सोलन में जाएंगे, यहां पर भी एक जनसभा है, पंजाब के बठिंडा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज लुधियाना में है, पंजाब में उनकी ये रैली रखी गई है। इसके अलावा पंजाब के होशियारपुर में भी राहुल गांधी आज एक जनसभा करेंगे। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के रतलाम में है। दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री मोदी की भी यहां एक है। इसके अलावा एमपी के इंदौर भी जाएंगी प्रियंका गांधी, यहां पर भी एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक जनसभा करेंगे। अखिलेश और मायावती आज गोरखपुर में मिलकर एक जनसभा करने जा रहे हैं। इसके अलावा गाजीपुर में भी एक रैली करेंगे अखिलेश यादव और मायावती।